नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस के अंतर्गत हम 9th, 10th, 11वीं, 12वीं के सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के टॉपिक कवर करते हैं। हमारी सारी क्लासेस टोटली फ्री हैं, तो सभी 9th, 10th, 11वीं, 12वीं के बच्चों से गुजारिश है कि आप इस चैनल के माध्यम से फ्री स्टडी कर सकते हैं। और हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस यूपी टेट, सी टेट और रेलवे की चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हम ईवीएस और हिंदी की कुछ स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें से आज आपकी क्लासेस रहेगी हिंदी की। तो ये क्लासेस, आज की क्लास यूपी टेट और सी टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अतः इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज हम हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से जो क्रम है हमारा आज का वो है हिंदी राजभाषा के कुछ भाषाओं का क्रम। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, सबसे पहले पाली भाषा थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे लास्ट में अवहट भाषा है। इस पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नंबर दूसरा है आपका, इसको थोड़ा हम और बड़ा कर ले ताकि आपको दिखाई दे। दूसरा, हिंदी का संबंध किससे है। हिंदी का संबंध सौर श्रेणी अपभ्रंश से है, अतः इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नंबर तीन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला है, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, इसका आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सारे प्रश्न पेपरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान देकर तैयार करना है। और जो प्रश्न आए हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनकी डिटेल भी दी गई है, तो आप उससे समझ सकते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला है आपका, सौर श्रेणी अपभ्रंश से किस भाषा उपभाषा का विकास हुआ है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का समय आपका संक्रांति काल कहलाता है। नेक्स्ट है अपना, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। ये आपके अमीर खुसरो जी हैं, इस पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये आपका TGT 2001 में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं हम लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये आपका इसका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, राजा मुंज। नवा नंबर है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ था। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है, इसका आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, पैसाची। पैसाची बिल्कुल सही है। अगला है दसवां, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका आपका ए बिल्कुल सही होगा, मागधी। तो 10 का ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। 11वां नंबर है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, ये आपका इसमें बी नंबर बिल्कुल सही है, 11 का बी, इसमें आपका पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही होगा। 12वें नंबर में, इनमें से कौन सी बोली हिंदी पूर्वी हिंदी की नहीं है। ये आपका UGC नेट में आया, JRF दिसंबर 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये, इसमें आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, बिहारी। नंबर 13 है,
निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए भाषाओं के अनुसार। इस पे आपका सही क्रम होगा सौर श्रेणी जो भाषा है उसका संबंध पूर्वी हिंदी से है, पैसाची जो भाषा है उसका संबंध असमिया से है, सी मागधी का संबंध लहंदा से है और डी अर्ध मागधी का संबंध राजस्थानी से है। इसमें चारों विकल्प एक दूसरे के सामने हैं। 14 नंबर, सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधि। इस पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर में, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं हैं 5, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 17 नंबर में, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? इस पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5 है। 18 नंबर, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ क्या हैं? पूर्वी हिंदी कितनी बोलियाँ हैं? ये आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। 19 नंबर, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित हैं? ये आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली ये सारी बिहारी हिंदी से हैं। 19 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचड अपभ्रंश से, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, गुड़हल दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है? अहीर वाटी का संबंध किससे है? 21 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा, उत्तरी राजस्थानी से। नेक्स्ट है अपना 22 नंबर, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का उद्भव किस भ्रंश से हुआ है? यह आपका अर्ध मागधी है। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नंबर 23, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार है विद्यापति जी। 23वें का ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 24वां, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम ढूंढाड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 25वां नंबर, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? इसका आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, ब्रजभाषा। 25वें का सी सही है, ब्रजभाषा का सृजन हुआ है। 26वें नंबर, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? 26वां, पद्मावती, मधुमालती, कविता वली और हंस जवाहर। इसमें आपकी कविता वाली जो है वो अवधि में नहीं लिखी गई है। ये प्रश्न पेपरों की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आए हुए हैं। 27वां नंबर, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली के अनुवाद में शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ये आपका TGT में आए हुए प्रश्न है। ये राज लक्ष्मण सिंह जी थे, इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया इसका। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है आपकी मेरठ में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। अगला है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, बनारस। बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। अगला है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? ये आपका सौर श्रेणी। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 31वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा ये आपका कन्नड़ है, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। 32वां नंबर, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली
इनमें से ब्रज भाषा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ब्रज भाषा आपकी सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? 34 नंबर है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग हमारा प्रेम सागर में हुआ है। नेक्स्ट है अपना, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36वां, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। यह अध्यापक भर्ती परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। अगला है 37वां नंबर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। 37वां नंबर, इसका ए नंबर सही होगा, पूर्वी हिंदी होगी। इसमें खालिक बारी किसकी रचना है? 38 नंबर, खालिक बारी आपकी अमीर खुसरो जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 39 नंबर, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? मैथिली का विकास आपका मागधी अपभ्रंश से हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 40वां नंबर, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है? तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 41वां नंबर, निम्नलिखित बोली में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? 41वां नंबर, उत्तर प्रदेश में मैथिली भाषा नहीं बोली जाती है, बाकी सारी बोली जाती हैं। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? 42 नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 43, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा ने में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर जी ने रखा था। अगला 44 नंबर, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ये भी आपका पेपरों में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। 45वां नंबर है, कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? इस पे भारत मित्र को। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 46, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 46 का ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ये संविधान में 343 अनुच्छेद में दिया गया है। 47 नंबर, नागरी पिछाड़ी सभा का स्थापना वर्ष बताओ? 47 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, 1993 ईस्वी में नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना वर्ष है ये। नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में से कौन है? 48 में ये आपके शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट अपना 49, काशी नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? इसका आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल जी इनके संस्थापकों से नहीं है। और 50वां नंबर, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? 50 का आपका बी नंबर, ये ब्राह्मी से उत्पत्ति इसकी हुई थी देवनागरी की। 51 है आपका, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ये आपका इसका बी नंबर, अष्टम सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों आज की भाषा के अंतर्गत के इतने सवाल, इतने प्रश्न थे हमारे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको दिए। अगर आपको हमारे ये कलेक्शन पसंद आया और हमारी सारी चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, हाँ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो समय से उपलब्ध होती जाएंगी, जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और बेल आइकन की बटन भी दबाएँ, जिससे हमारे नए वीडियो बनते साथ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।